हेलो एवरीवन, सो वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ आपको रिपब्लिक डे की बधाई देने के लिए। आई शुड हैव मेड दिस वीडियो इन द मॉर्निंग, बट बिकॉज ऑफ सम यू नो एंगेजमेंट्स आई कुड नॉट मेक दिस। सो एनीवेज, इट इज नेवर लेट टू गिव यू नो बधाई ऑन रिपब्लिक डे। सो ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आज का दिन बहुत खास है, बहुत सारे मायने में बहुत खास है आज का दिन, क्योंकि रिपब्लिक डे एज ऑल द इंडियंस इज वेरी स्पेशल टू अस, सेलिब्रेशन का दिन है। और दूसरी बात, एज अ स्टूडेंट हम लोगों को इस दिन यू नो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज और बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है। अगर अभी स्कूल्स ऑन हो गए हैं, चालू हैं, या ऑनलाइन मोड पर भी चालू हैं, तो आप लोगों को बहुत सारे यू नो पोएम्स एंड सॉन्ग एंड मेनी अदर यू नो जिसको हम बोलते हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो इस वजह से भी ये खास है कि जो मोनोटोनस रूटीन होता है उससे हट करके कुछ करने के लिए मिलता है, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने का मौका मिलता है। ये तो बात हुई रिगार्डिंग रिपब्लिक डे, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ। अगर आप क्लास 12th में हैं और आपने टर्म वन के एग्जाम दे दिए हैं, और ऑब्वियसली दे ही दिए होंगे सब लोगों ने अपने टर्म वन के एग्जाम, तो ये सेलिब्रेशन का दिन है ही, साथ साथ में एक साइलेंट वार्निंग का दिन भी है, क्योंकि आज हो गई है 26th of January। आप लोगों ने अपने एग्जाम दिए थे दिसंबर में, कहीं मिड ऑफ दिसंबर या 20th December 22nd December तक आपके एग्जाम खत्म हो गए थे, ठीक है। अब उस बात को खत्म हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है। यस, यू मस्ट हैव नॉट रियलाइज, बट एक महीने से ज्यादा हो गया है आपके टर्म वन के एग्जाम खत्म होकर। और आप उन बच्चों में से एक हैं अगर जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया और ये कह रहे हैं अरे अभी अभी तो टर्म वन का एग्जाम हुआ है, टर्म टू में तो अभी बहुत दिन है, तो जाग जाइए, नींद से उठने का समय आ गया है, अभी बहुत दिन बाकी नहीं है। अब आपके एग्जाम्स में बहुत थोड़े ही दिन बाकी है। ऑफिशियली कभी भी अनाउंसमेंट हो कि किस डेट से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, बट आपको मालूम है कि आपके हाथ में एक महीना, ज्यादा से ज्यादा एक महीना, मार्च में अगर एग्जाम शुरू हो जाएंगे, मार्च फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको एक ही महीना आपके हाथ में, हो सकता है कि एक ही महीना आपके हाथ में अगर मार्च मिड वीक में कभी एग्जाम स्टार्ट हुए, मार्च के मिड में कभी एग्जाम स्टार्ट हुए, मतलब 15-16 मार्च तक, तो एक डेढ़ महीना आपके हाथ में। उसके बीच में आपके स्कूल कई सारे प्री बोर्ड्स रखेंगे, मॉक टेस्ट पेपर्स रखेंगे, जिसके लिए भी आपको उतनी प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है जब मॉक टेस्ट होते हैं, तो हमारे ऊपर खुद का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर और टीचर्स का प्रेशर, ये सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। तो कैसे अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए अगर आप उन बच्चों में से हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है। तो मैंने एक बहुत अच्छी बात कहीं पढ़ी थी, उसको मैं कोट करना चाहूंगी, मैंने उसे यहाँ लिख कर भी रखा है अपने नोट्स में, कि न्यूनतम से शुरू करो और सरलतम से अभ्यास करो। क्या है ये? हिंदी में एक सेइंग है कि न्यूनतम से शुरू करो और सरलतम का अभ्यास करो। व्हाट इज न्यूनतम? मतलब जो मिनिमम है उससे शुरू करो। मतलब अगर आप अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे, सारा दिन आपका मस्ती और यहाँ वहां घूमने में निकल रहा था, तो न्यूनतम से शुरू करो, मतलब आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, कम से कम उतने से शुरू करो और सरलतम का अभ्यास करो। अगर अभी तक आपको पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, ये सोच सोच के कि एग्जाम में बहुत दिन है, अभी तो मैंने अपना एग्जाम फर्स्ट टर्म का खत्म किया है, तो आप जो सबसे इजी चैप्टर लगता है ना उसको उठाइए, किसी भी सब्जेक्ट का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय ओन सब्जेक्ट, आई एम टेलिंग एनी सब्जेक्ट, आप सबसे इजी वाला टॉपिक उठाइए, उसको करिए। इससे क्या होगा, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट दोबारा से जाग जाएगा, और धीरे धीरे करके अपने टाइम को भी बढ़ाइए, जो आप न्यूनतम से शुरुआत कर रहे हैं उसको अधिकतम तक ले जाइए, और जो आप सरलतम से अभ्यास कर रहे हैं उसे कठिन तक ले जाइए। लेकिन फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक नाउ। आज 26 जनवरी हो गई है, याद रखिए, और अभी मैं रात के 9 बजे वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपका दिन समझिए निकल गया है। तो कल से बिल्कुल लग जाओ जोरों शोरों से, और आपका जो सेकेंड टर्म का एग्जाम है वो बहुत अच्छी तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि आपने फर्स्ट टर्म में क्या किया। अगर बहुत अच्छा किया तो सेकेंड टर्म भी उतना ही अच्छा करिए, ताकि आपका परसेंटेज काफी अच्छा है। अगर फर्स्ट टर्म में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, तो ये अकेला मौका है जब आप अपनी परफॉर्मेंस को आप सुधार सकते हैं। तो वंस अगेन, जय हिंद, हैप्पी रिपब्लिक डे, एंड कीप स्टडिंग। बाय।